प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, पानी से भरे किसी टैंक अथवा तल, पानी से भरे किसी टैंक अथवा तल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। जब किसी पेंसिल को कांच की किसी बर्तन में रखे पानी में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला, कांच के बर्तन में नींबू को पार्श्व से देखने पर, कांच के बर्तन में रखे नींबू को पार्श्व से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े दिखाई देते हैं। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम एक कांच की स्लैब से स्पष्ट करते हैं। तो कांच की स्लैब है और इसके विपरीत पृष्ठ है ए बी तथा सी और डी, और दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है ए बी जिसका बिंदु ओ है और इस पर आपतित किरण ई पी है तथा ई पी है, और यह है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा जब यह सीडी सीडी पृष्ठ से निर्गत होती है तब यह ओएच किरण है, ये निर्गत किरण है, और जब ये निर्गत किरण और आपतित किरण ईपी के समांतर दिशा में जाती है यानी दोस्तों दोनों किरणें समांतर हो जाती है, यानी कि जो जो किरण निर्गत है वो आपतित किरण के समांतर जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है तथा दोनों अपवर्तक सतहों यानी कि ए बी तथा सी डी पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर जाती है, ऐसा इसलिए होता है कि आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक ए बी तथा सी डी पर प्रकाश की किरणों के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत होता है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, तथापि प्रकाश की किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश की किरण दो माध्यमों के अब अंतरपृष्ठ पर अविलंबवत आपतित हो तब क्या होगा? अब हम देखते हैं कि जो अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है। तो जो अपवर्तन यानी प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी जो अपवर्तन की घटना है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अब प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम है वो देखते हैं। तो अपवर्तन के नियम दो ही है, जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे ठीक वैसे ही अपवर्तन के नियम दो हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पे है। फिर दूसरा नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए
प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए। तो यहाँ पर जो कोण आई का मान, यानी जो आपतन कोण की ज्या, आई का मान सदैव 90 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि 0 और 90 के बीच में रहता है। अब जो आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का मान निश्चित होता है। अब साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक है, तो इसको, इस स्थिरांक के मान को किस प्रकार लिख सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के लिए हमने देखा कि दूसरे माध्यम का, प्रकाश का दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश का दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की सापेक्ष चाल को हम अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और वायु में इसकी चाल थोड़ी कम हो जाती है, फिर जल में और भी घट जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, और अपवर्तन भी प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि माध्यम, जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है, तो प्रकाश की चाल माध्यम एक में V1 से तथा माध्यम दो में V2 से दर्शाते हैं। अब माध्यम दो का माध्यम वन के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम दो का माध्यम वन के सापेक्ष अपवर्तनांक, और जब इसको लिखते हैं समीकरण में तो कैसे लिखते हैं? माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात, अर्थात जब हम इसको लिखते हैं अपवर्तनांक को, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, लेकिन जब माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका संकेत होता है अपवर्तनांक का N2:1, यानी कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन जब इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? अपवर्तनांक टू वन है, और इसको लिखते हैं माध्यम दो में प्रकाश की चाल तथा माध्यम एक में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे ये वही अपवर्तनांक का समीकरण है, सूत्र है, माध्यम एक ऊपर दे दिया और यहाँ माध्यम दो ऊपर दे दिया, अर्थात इसको उल्टा कर दिया, यानी V1 V2, और सॉरी सॉरी, ये जो है ये माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो उल्टा नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पे हम लिखते हैं तो बोलने में ऐसे लिखता है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक,
लेकिन जब हम इसको व्यक्त करते हैं तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को व्यक्त करता है। अब हम यदि माध्यम को बदल दें, यानी कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है, तो इसको n/2 से निरूपित करते हैं। जैसे कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे, या फिर माध्यम दो में प्रकाश की चाल तथा माध्यम एक में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं माध्यम एक के सापेक्ष। अब यदि माध्यम एक निर्वात के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ माध्यम दो का अपवर्तनांक अब यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमने माध्यम निर्वात ले लिया या वायु ले लिया, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, और इस प्रकार के जो अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको केवल n2 से निरूपित किया जाता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब अपवर्तनांक nm होगा। nm वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है, जो पहला माध्यम लिया जाता है वो हमेशा वायु लिया जाता है। अगर पहला माध्यम वायु है, तो उसके द्वारा जो अपवर्तनांक प्राप्त होगा उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। अब यहाँ जो एक डायग्राम दे रखा है, इसमें माध्यम एक वायु है और माध्यम दो है, हम कोई सा भी ले सकते हैं माध्यम दो। जब हम माध्यम एक वायु लेंगे और माध्यम दो किसी को भी ले सकते हैं, जल, केरोसिन, कांच, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो युग्म बनेगा, माध्यमों का युग्म, तो इससे जो अपवर्तनांक आएगा वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो जल का अपवर्तनांक है, अब इन्हें जल का अपवर्तनांक nW यानी 1.33 होता है, अर्थात वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। तो इसको 1.33 से व्यक्त करते हैं। उसी तरह से क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के माध्यम लेकर के वायु के सापेक्ष जब हम या निर्वात के सापेक्ष हम विभिन्न प्रकार के माध्यम लेकर के अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, तो वो सब क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक आते हैं। तो वायु में निर्वात का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 होता है, 1.0003 होता है, और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी 2.42 होता है। तो इस तरह से हम इनके अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। वायु के सापेक्ष आएंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो केरोसिन का अपवर्तनांक है वो जल से ज्यादा है, लेकिन द्रव्यमान जल से कम है। तो इस तरह से जो अपवर्तनांक है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। और यहाँ एक घटना यह भी देखते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो सघन माध्यम का द्रव्यमान तथा घनत्व पर भी, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान तथा घनत्व अधिक हो। यानी जो अपवर्तन के लिए सघन माध्यम का द्रव्यमान तथा घनत्व अधिक हो, यह आवश्यक नहीं है। तो अपवर्तनांक के लिए क्या होता है कि प्रकाश की चाल पर डिपेंड करता है, और इसका एक उदाहरण है केरोसिन। तो केरोसिन का अपवर्तनांक जल से अधिक है, लेकिन जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है तथा इसका द्रव्यमान
द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने को इसके प्रकाशीय घनत्व द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और प्रकाशीय घनत्व का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि संप्रकारार्थ होता है, यानी कॉनोटेशन होता है। तो जो प्रकाशीय घनत्व है वो द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होता। तो यहाँ सरल माध्यम और विरल माध्यम का अर्थ है प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम से है। हम देखते हैं कि जब कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, तो माध्यमों की तुलना करते समय हम अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होगा। और जो कम अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा अपेक्षा कम प्रकाशिक सघन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकाशिक सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जो प्रकाशिक सघन कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी जो प्रकाशिक सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जो प्रकाशिक सघन कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रकाश जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो अभिलंबी की ओर मुड़ जाता है, और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हो जाता है। तो इनको हम देख सकते हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो लेंस क्या होते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। अर्थात लेंस वो होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये लेंस है, और जब जिसमें दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होते हैं तो उसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं, और जब एक ही पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसको अर्ध उत्तल लेंस या आधा उत्तल लेंस कह सकते हैं, कैसा भी, लेकिन वो होता उत्तल लेंस है। और जब बाहर की ओर जब एक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है लेंस का, तो उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। और जब दोनों ही पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं तो उसको हम द्वि अवतल लेंस कहते हैं। और द्वि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और द्वि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। और इसके विषय में जो किरणें किस तरह से और किरणों को भी क्या करता है, अभिसारित करता है उत्तल लेंस, और अवतल लेंस अपसारित करता है ना, फैलाता है। अब इनके हम बिंदु देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को भी हम दर्पण की तरह ही, यानी कि जो अवतल दर्पण लिया था हमने, गोलीय दर्पण लिया था, उन्हीं उसकी तरह से ही इसके भी बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे इस वक्रित भाग का केंद्र क्या होगा, सेंटर C1, और ये आधे गोले का ही भाग मान सकते हैं हम, तो सेंटर C1 होगा इस वक्रित भाग का। और जो दूसरे वक्रित भाग है ये वाला, इसका सेंटर C2 हो जाएगा। और सेंटर को यानी जो जो C1 है इसको हम जो C से प्रदर्शित करते हैं, ये वक्रता केंद्र होगा। तो इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे C1 और C2। उसी तरह से जो फोकस होगा, C1 का जो फोकस होता है, C1 सेंटर वाले जो लेंस है वक्रता भाग है उसका फोकस होता है F1, और जो जो C2 का होता है F2 फोकस होता है। अब यहाँ जो बिंदु O है ये लेंस के मध्य में स्थित है, और इसको लेंस का केंद्र कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और जो प्रकाशिक केंद्र है यहाँ से दोनों सेंटरों की दूरी बराबर है, यानी कि C1 की भी दूरी जितनी है उतनी ही C2 की दूरी है O से।
और जो F1 तो हम जानते हैं, जो फोकस जो होता है इसकी दूरी कितनी होती है, ये प्रकाशिक केंद्र से सेंटर के मध्य की दूरी का आधा होती है फोकस बिंदु। और जो लेंस का M और N, जो लेंस की परिसीमा है, इसका व्यास जो सीधी दूरी होती है M और N, इसको हम द्वारक कहते हैं, अपरेटस अपर्टस कहते हैं। और यहाँ से दोनों सेंटरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और जो प्रकाशिक केंद्र है, इससे गुजरने वाली किरणें होती हैं या रेखाएं होती है, प्रकाशिक किरणें होती है, वो हमेशा सीधी जाती है, विचलित नहीं होती। उसी तरह से ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी ठीक वैसे ही होते हैं। और जो जो F1 था फोकस, इसी तरह से 2F1 जो फोकस होगा वो सेंटर पर होगा, सेंटर C1 पर होगा। उसी तरह से 2F2 फोकस है वो सेंटर C2 पर होगा। तो ये हमारे लेंस के मुख्य बिंदु हैं या टर्म्स हैं, इनको पद भी कह सकते हैं। ये लेंस के टर्म्स होते हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाशिक केंद्र वो है यानी कि जो लेंस के बीचों बीच में होता है। और मुख्य अक्ष, दोनों सेंटरों को मिलाने वाली, द्वारक यानी कि लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास होता है। और इस अध्याय में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से छोटा है। दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ये हमने बता दिया था। और लेंस, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चेतावनी है कि ऐसे लेंस यानी सूर्य की ओर से सीधी रेखा कि सूर्य की ओर सीधे या लेंस से न देखें। सूर्य की ओर कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए और ना ही लेंस से देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, जल भी सकती है, क्योंकि लेंस में जलाने की क्षमता होती है, प्रकाश किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा इन किरणों को एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दिया जाता है। कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर देता है और इसके कारण कागज जलने लग जाता है। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आगे, यदि किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणों को गुजारते हैं, यानी गुजारते हैं, तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। अब मुख्य फोकस को अंग्रेजी के कैपिटल F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं तो उसको F1 और F2 से निरूपित करते हैं। जो F1 और F2 क्या है, दो मुख्य फोकस है जब हम विपरीत दिशा में प्रकाश किरण का प्रयोग करते हैं तब। और जो फोकस दूरी है इसको F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी प्रकाश से केंद्र से मुख्य फोकस, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। ये तो वक्रता त्रिज्या हम दर्पण में लिया था, और यहाँ पर हम क्या लेंगे?
तो ये 2R के बराबर ही होती है। तो हर लेंस के लिए, हर गोले के लिए वक्र का त्रिज्या आर बराबर 2F होती है। तो इसका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम यहाँ उत्तल लेंस को लेकर के प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जो उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब ठीक उसी तरह से बनते हैं जैसे अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं। इसमें देखो 6 कंडीशन होती है और 6 ही कंडीशन उसमें थी। 6 कंडीशन में जो 5 कंडीशन थी वो वास्तविक उल्टी थी, उसमें भी वास्तविक उल्टी थी। और जो लास्ट की 6ठी कंडीशन थी वो आभासी तथा सीधा थी। और यह स्थिति कब बनी थी, जब फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखते हैं और वहाँ पर भी क्या फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब यह बनने वाला प्रतिबिंब जिसे जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा, बड़ा आवर्तित बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और बाकी जो सब कंडीशन है उनमें भी वो के वो स्थिति है, सिर्फ इसमें 2 वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे वक्रता केंद्र के फोकस का प्रयोग करते हुए बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर अनंत पर बिंब रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे वक्रता केंद्र के F2 पर, फोकस पर, यानी कि F2 है, फोकस है उस पर बनेगा, और बिंदु के आकार का बनेगा अत्यंत छोटा। तो दूसरा, दो लेंस तो दो वक्र पृष्ठ होते हैं, तो जो दूसरा वक्र पृष्ठ है उसके फोकस पर बनेगा। फिर जब हम F1 से परे, यानी कि F1 से परे वही हो गया, यानी सेंटर से दूर, जब F1 से परे लेते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है और छोटा बनता है, यानी कि बिंब से छोटा। और जब हम 2F1, 2F1 को बोलते हैं सेंटर, जब हम सेंटर पर लेते हैं तो सेंटर पर ही बनता है, तो 2F1 पर लेंगे तो 2F2 पर बनेगा और समान साइज का बनेगा। और स्थिति तो वो के वही है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो के वही है सब पांचों में। फिर हम देखते हैं, अगर हम फोकस पर लेते हैं, फोकस F1 पर लेते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा होगा अथवा अत्यधिक बड़ा होगा। जब हम फोकस पर लेते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और फिर जब हमने बताया कि फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये बिंब की ओर ही बनता है, बड़ा बनता है, विवर्धित होता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। तो ये हमारा अवतल, सॉरी, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब हो गई। और अब यदि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की बात की जाए तो वो भी ठीक उसी तरह से बनते हैं जैसे उत्तल दर्पण के बने थे। इसमें 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा, एक तो फोकस पर बनेगा और दूसरा बनेगा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा। यहाँ देख सकते हैं हम अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब, अगर अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, फोकस F1 पर बनेगा, क्योंकि इसमें जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है और बिंदु के आकार का बनता है। और इसमें बनने वाले प्रतिबिंब वो के वही है जैसे सेम टू सेम कंडीशन है, तो आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और जब अनंत तथा लेंस, यानी कि अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र O के बीच रखते हैं, अनंत तथा, यानी कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच बनेगा और यह बिंब से छोटा बनेगा और वही आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इस प्रकार हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमने प्रतिबिंब की स्थिति देखी। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण की भांति हम इसमें किन्हीं 2 किरणों पर विचार कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जबकि अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होगी। तो यहाँ देखते हैं कि जो आने वाले प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर F2 पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पर जो आने वाले जो समांतर किरण है अपवर्तन के पश्चात उसी ओर के फोकस से अपसरित यानी कि गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यानी अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, वैसे में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, जब जब प्रकाश किरण F1 से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधी समांतर निकल जाती है मुख्य अक्ष के, दोनों में ही सीधी समांतर निकल जाती है मुख्य अक्ष के, और इसमें जो F2 पर आती हुई प्रतीत होती है दूसरी साइड में आपतित किरणें और अपवर्तन के बाद में सीधी मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है उत्तल लेंस में। फिर अगली तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं, यदि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है, यानी जो प्रकाश किरण है इसको हम प्रकाशीय केंद्र से आपतित कराते हैं तो यह बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में। तो ये था हमारा किरण आरेख के उपयोग द्वारा किरण आरेख के प्रयोग द्वारा लेंसों का से प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और साइज। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के ही द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, तो इसमें देखो अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और साइज है, तो ये अवतल लेंस की दो ही कंडीशंस होती है। अगर हम इसको अनंत से अनंत पर रखा हुआ है बिंब तो इसी तरफ फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और जो दूसरी कंडीशन है इसमें बिंदुवत बनेगा और इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन यानी कि थोड़ा बनेगा यानी कि जो F1 पर तो हमेशा बिंदुवत बनता है, और जब हम 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं बिंब को तो हमें थोड़ा सा बड़ा यानी बिंदु से थोड़ा बड़ा दिखाई बनेगा, लेकिन बिंब के समान नहीं बनेगा। अब हम उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अनंत पर है तो F2 पर बनेगा, और बिल्कुल जैसे हम पहले बता चुके हैं वैसे के वैसे कंडीशन से सारी सारी। ठीक है, ओके। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, तो गोलीय लेंसों के लिए वही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे जिसका हमने गोलीय दर्पणों में प्रयोग किया था। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेंगे और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, और उसमें हमने इसमें जो दूरियां हैं वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी लेंस में। दर्पण में हम ध्रुव से नापते थे दूरियों को। अब लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र भी बिल्कुल वैसा के वैसा ही है जैसे गोलीय दर्पण थे, इसमें सिर्फ चिन्ह बदल दिया है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह था यहाँ माइनस का चिन्ह कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम है वो कोई, और इसमें इनके मान रख करके हम इनको हल कर सकते हैं इनके सवालों को। फिर जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता है वो का वही है, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई H-H। यहाँ भी एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है कि यदि हम दूरियों से आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं, बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी से आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हम उस लेंस में माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते थे बी बटे यू से पहले, बी बटे यू से पहले हम गोलीय दर्पण में आवर्धन क्षमता ज्ञात करते तो माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते थे, यहाँ माइनस के चिन्ह को हटा दिया गया है।
हम देख सकते हैं ये गोली दर्पण सूत्र है, इसमें प्लस के चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं लेंस सूत्र है, 1/b माइनस 1/u, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ चिन्ह बदल दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता है इसमें भी चिन्ह बदल दिया गया है। हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का हल ये है कि जो अवतल लेंस सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और उसी ओर बनाते हैं जिस ओर बिंब रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो वी होगी वो भी माइनस में आएगी, फोकस दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में आएगी, फोकस दूरी है वो भी माइनस में आएगी, और जो बिंब दूरी है वो भी माइनस में ही आएगी। तो इसका जो दर्पण सूत्र है 1/b माइनस सॉरी लेंस सूत्र है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, इसमें इनके मान रखते हैं और मान रखने के बाद जो हल प्राप्त होता है वो u यानी कि जो बिंब दूरी है वो -30 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार ये बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर है फोकस से यानी प्रकाश केंद्र से, और आवर्धन क्षमता v/u है और m बराबर v/u। तो v/u हम इसका मान रख देंगे, तो रखने के बाद में 0.33 आएगा। और यह धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि देखो जो धनात्मक चिन्ह है वो यह दर्शाता है कि इस जगह पर कि प्रतिबिंब सीधा है आभासी है तथा प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। अगला प्रश्न है उसकी तरफ भी चलते हैं और ये उत्तल लेंस के लिए है। तो उत्तल लेंस के लिए हम देखते हैं कि जो बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक आती है, फोकस दूरी भी धनात्मक आएगी और बिंब दूरी ऋणात्मक आएगी, और प्रतिबिंब दूरी इसमें धनात्मक आएगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो एच डैश दे रखी है। अब वैसे इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ हम लेंस सूत्र में हम इनको फीड कर देते हैं और करने के बाद हम इसका हल निकालेंगे। हल निकालने पर बी बराबर 30 सेंटीमीटर आया। तो ये वी है, यू नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वी इज रॉन्ग, सॉरी ये यू इज रॉन्ग, इधर पे क्या आएगा, ये बी ही आएगा। तो बी बराबर 30 सेंटीमीटर होगा और वी का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, ठीक है। और आवर्धन क्षमता एम बराबर एच डैश बटे एच होता है और बराबर वी बटे यू भी होता है। अब यहाँ देखो कि जो अनुपात में है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को हम इसकी जो बिंब की जो दूरियां है उनसे गुणा कर देते हैं, यानी दूरियां लेंगे तो ये दूरियां हैं, तो इसमें जो आवर्धन क्षमता की जो अनुपात है, तो अनुपात में हमें क्या दे रखा है, ये 2 इसका साइज दे रखा है, यानी कि जो बिंब का साइज दे रखा है 2, जो भी 2 सेंटीमीटर है मीटर जो भी है 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुपात से हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पर -4 सेंटीमीटर आ जाएगा और आवर्धन क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, v/u कर देंगे -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो m और एच डैश के ऋणात्मक चिन्ह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है, यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यह प्रतिबिंब 2 गुना विवर्तित होता है। तो ये जहाँ पर जो कुछ बताया है वो लेंस की प्रकृति है, वो सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति है, प्रतिबिंब का नेचर। तो प्रतिबिंब के नेचर में आते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, उल्टा सीधा बड़ा छोटा आवर्धित है, ये सब कुछ इसमें आता है नेचर में। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता यानी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस बड़े गोले द्वारा बनाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी यानी मोड़ने की क्षमता कम होगी, और यदि गोला
है और उसके द्वारा लेंस बनाते हैं तो उसके द्वारा कम दूरी पर प्रकाश किरणों को वह मोड़ देगा, तो इसको इससे उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बड़े लेंस की क्षमता कम होती है और छोटे लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि जो गोले को लेकर के बनाते हैं तो इस तरह से जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। अब किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसको पी द्वारा निरूपित करते हैं। और फोकस दूरी लेंस की क्षमता, ए फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी है वो हमेशा मीटर में होती है। अगर हम किसी लेंस की क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र में फोकस दूरी को मीटर में बदल करके ही रखेंगे, चाहे कोई सभी मात्रक में हो, फोकस दूरी को मीटर में ही रखेंगे तभी हमारा ये क्षमता सही आएगा। और आगे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है और इसको कैपिटल डी द्वारा दर्शाया जाता है। अब आगे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, यानी कि एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक आती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक आती है। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि चश्मा पहनाने वाले किस तरह से लेंस का नंबर निर्धारित करते हैं। तो मान लीजिए कि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसका अर्थ है कि लेंस प्लस का चिन्ह इसलिए है उत्तल लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी प्लस में आएगी 0.50 मीटर। और इसी प्रकार -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी -40 मीटर आएगी और यह लेंस अवतल लेंस होगा। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए इस प्रकार का संयोजन किया जाता है। और लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। एग्जाम्पल के लिए पी कुल क्षमता है P1 + P2 + P3, और जितने भी लेंस जुड़ते जाएंगे उन सब का योग ही कुल लेंस क्षमता होती है। अब यह चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक होता है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंस के अनेक अलग अलग संयोजन को संपर्क में रखकर चश्मे को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणित योग के द्वारा करता है। उदाहरण के लिए +2 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर वाले 2 लेंसों का संयोजन का मतलब है +2.25 डायोप्टर एकल लेंस के तुल्य है। तो ये क्या है, एकल लेंस के तुल्य है, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो लेंसों की क्षमताओं की योज के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने में किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग, तो जो लेंस निकाय हैं उनके उदाहरण हैं कैमरे का लेंस, सूक्ष्मदर्शी का लेंस और दूरदर्शक जिसको दूरबीन कहते हैं। इस प्रकार के जो 3 एग्जाम्पल हैं इनमें संयोजित लेंसों का उपयोग किया जाता है। विश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई गई है। दर्पण सूत्र होता है एक दर्पण सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F। तो यहाँ
बिंब दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी डी, और गोले दर्पण की फोकस दूरी एफ है। किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह सबसे ज्यादा चाल होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच की स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरप्रस्थ एवं कांच वायु अंतरप्रस्थ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। लेंस सूत्र होता है 1/V − 1/U = 1/F। बिंब दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी वी और गोली लेंस की फोकस दूरी एफ है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है और फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी को मीटर में लिखते हैं जब उसकी लेंस क्षमता ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा लेसन पूरा होता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 10वां लेसन पूर्ण हुआ।